तो आज युवराज इज टेकिंग मी समवेयर, आई एग्जैक्टली डोंट नो वेयर वी आर गोइंग, सो लेट्स फाइंड आउट वेयर वी आर गोइंग. All that he's told me till now is that we are going on a road trip for a day. देखते हैं कहाँ ले जा रहे हैं and what awaits us. Hi, good morning, Yuvraj. Good morning. How are you? I'm good. I'm good. So, where are you taking us today? There's a place called Dwarahat. So it's about 3 hours drive. All right. We should get going. All right, let's go. Come to Yuvraj's garage now, and we'll be exchanging cars from here. तो केला खान में हम cars change कर रहे हैं. He has his garage over here. Thar has come out, and now the Alto is going in. तो चलिए यहाँ से अपना सफर शुरू करते हैं. We are going towards भवाली और फिर वहाँ से हम कैंची जाएंगे. Then further on to Ranikhet and finally Dwarahat. नैनीताल से निकलते ही हमें सॉलिड कोहरा मिल गया है. आई होप आगे जाके द वेदर गेट्स बेटर. अब हम भवाली बाजार पहुंच गए हैं एंड यहाँ से वील टेक अ लेफ्ट टूवर्ड्स रानीखेत. भवाली में हमेशा टैंक फुल करा लेना चाहिए अगर आप यहाँ से लंबा जा रहे हैं. एटलीस्ट फ्यूल साइड से तो आपकी जर्नी टेंशन फ्री रहेगी. After fueling up at Bhawali, it's time to start rolling again. अब हम कैंची धाम पहुंच चुके हैं और 2 मिनट रुककर हम यहाँ पर महाराज जी का स्मरण करेंगे और उनको याद करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे. Although the temple is closed, पर यहाँ से महाराज जी के दर्शन हो जाते हैं. पहाड़ी वाला श्राग है. ये गर्म पानी वाला ब्रिज है और यहाँ से हम लेफ्ट लेके रानीखेत की तरफ निकल गए. अगर स्ट्रेट चले जाते तो हम अल्मोड़ा होते हुए पिथौरागढ़, धारचूला उधर कहीं जा सकते थे. ये है भुजान और यहाँ से अगर हम नीचे वाली रोड पकड़ते हैं तो हम बेताल घाट पहुँचेंगे और ये ऊपर वाली रोड जाती है रानीखेत को और रानीखेत यहाँ से सिर्फ 28 किलोमीटर्स है. यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल वाइल ड्राइविंग इन द हिल्स और राइडिंग इन द हिल्स. ओ शिट, देखो सामने से बस. और स्पेशली मोड़ों में तो बिल्कुल पास लेना ही नहीं है. वो तो ये बाइक वाले दाजू ने हमें पहले ही हाथ देके वॉर्न कर दिया था. थैंक यू दाजू. पहाड़ में रहने वाले लोगों की लाइफ बहुत टफ होती है. तो लोग सुबह सुबह जाते हैं, औरतें जंगल से लकड़ियाँ कलेक्ट करके लाती हैं अपने सर में ढोते हुए. अब ये लेडी जा रही हैं, ये इस बोरे में पता नहीं क्या है लेकिन काफ़ी वेटेड होगा और ये इसको लेते हुए जा रही है एंड आई डोंट नो कितनी दूर ये ऐसे रोड में चलेंगी और उसके बाद या तो नीचे गांव में उतरेंगी या फिर ऊपर पहाड़ चढ़ेंगी. देयर इज़ अनदर मैन गोइंग जस्ट पास जस्ट बाय. तो लाइफ इज़ वेरी टफ इन द हिल्स. ये देखिए एक और लेडी जंगल से घास और पत्ते लेके आ रही हैं अपने पालतू जानवरों को फीड करने के लिए. सो लाइफ इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर दीज पीपल. पहाड़ में मोटरसाइकिलिंग और माउंटेन बाइकिंग करने का अलग ही मज़ा है. सो whenever I get time or whenever I need to clear my head, I just grab my bike and just go. बाइकिंग की आज़ादी का असली एहसास तो पहाड़ों में ही मिलता है. अब हम रानीखेत में हैं और आर्मी एरिया होने की वजह से दिस टाउन इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड. रानीखेत पास करते हुए हमेशा से ही बहुत पेट्रियाटिक सी फीलिंग जाग उठती है. हमने रानीखेत क्रॉस कर लिया है और अब हम द्वारहाट में हैं. द्वाराहाट में हमें सलना गांव जाना है। वहाँ पर युवराज के एक दोस्त महेंद्र भाई के पापा का आज पीपल पानी है, तो वी आर गोइंग देयर टू पे आवर रिस्पेक्ट्स टू महेंद्र भाई एंड हिज फैमिली। द्वाराहाट से हमने एक रॉन्ग टर्न ले लिया था एंड वी फाउंड आवर सेल्फ टू बी ऑन द रोड टू असगोली। असगोली एक और गांव है यहाँ का। सो नाउ वी आर टेकिंग अ यू टर्न एंड गेटिंग बैक ऑन ट्रैक। तो हमें सलना गांव जाने के लिए कुमाऊं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के गेट से अंदर जाना था और वहां से लेफ़्ट लेना है। स्कूटर खड़ा है ना आगे, और यहाँ ऊपर होगा इसका घर कहीं। द्वाराहाट में गांव में आए हुए, और ये देखिए गांव के बहुत ही प्यारे प्यारे मकान। इट्स रियली ब्यूटीफुल। वो छत के ऊपर एक लुट्टा रखा हुआ है। पूछ लीजिए। सुनिए भाई साहब, अब हम महेंद्र भाई के घर पहुंच गए हैं एंड ये पारंपरिक मकानों को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी संस्कृति यहाँ पर अब भी जिंदा है। बहुत ही सुंदर। ये रंग हैं उमंग के, ये रंग हैं प्यार के, ये रंग हैं हमारी संस्कृति के। और गांव आके हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है। ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है और इस फीलिंग को लेने के लिए गांव ज़रूर आना चाहिए। तो अब हम यहाँ से घर वापस जा रहे हैं। रुको 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 रुको, देखो देखो हमने क्या देख लिया है। ये मॉनिटर लिजर्ड है एंड पहाड़ी में इसको ग्वार भी कहते हैं। देखता हूँ वेदर आई कैन गेट क्लोज टू इट और नॉट, एंड इफ़ आई कैन गेट अ क्लोजर क्लिप। वाओ, दिस इज़ इनक्रेडिबल। ये भागा भागा भागा। अब हम वापस रानीखेत पहुंच चुके हैं और व्हाट एन इनक्रेडिबल प्लेस। मैं एक दिन यहाँ पे आके रहना चाहता हूँ और अच्छे से रानीखेत को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। आई हैव ऑलवेज विजिटेड रानीखेत बट नेवर स्टेड हियर। तो यहाँ पे रह के यहाँ की ट्रेल्स एक्सप्लोर करने में कितना मज़ा आएगा, और स्पेशली इन ट्रेल्स में माउंटेन बाइकिंग, डाउनहिल जाने में कितना मज़ा आएगा। हम वापस गर्म पानी पहुंच गए हैं और ब्रिज से हम राइट लेके नैनीताल की तरफ जाएंगे। अब हम वापस कैला खान पहुंच चुके हैं एंड वी एक्सचेंज आर राइड्स। थार गई पार्किंग में और ऑल्टो बाहर आ गई है एंड यहाँ से हम सीधे घर जाएंगे। सो बिफोर साइनिंग ऑफ आई'd लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक इट एंड इफ़ यू'd लाइक टू डू अ ट्रिप टू द्वारहाट इट्स टोटली वर्थ इट। इट्स एन अमेजिंग प्लेस, डू गो देयर and all the other places in this way that we've shown you. Have a wonderful day. Cheers.